हिंदुओं का मानना है कि गीता में जीवन की हर परेशानी का हल है, और ये सही भी है। मन में किसी भी तरह की दुविधा हो, कोई भी सवाल हो, या निर्णय लेने में किसी भी तरह की परेशानी हो, लेकिन गीता के पास हर मुश्किल का हल है। बेशक ये ग्रंथ सालों पुराना हो, लेकिन आज के जीवन में भी किसी भी समस्या के समाधान और एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति के निर्माण के लिए गीता का सहारा लिया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसी 5 बातें जिन पर अमल करने से आपको मिलेगी हर क्षेत्र में जीत। नंबर 1, स्वयं का आकलन। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना चाहिए। हमें खुद हमसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आकलन कर खुद में एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए। नंबर 2, मन की माया। गीता में अपने मन पर नियंत्रण को बहुत ही अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वे अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है, और जब वे इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो वे आपको विचलित करता है। इसी कारण जीवन में जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते हो, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हो, उससे दूर होते चले जाते हो। नंबर 3, क्रोध पर नियंत्रण। गीता के अनुसार क्रोध भ्रम पैदा करता है, और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नष्ट होते ही तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है। तर्क शक्ति नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपको और आपके जीवन को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करें। नंबर 4, आत्ममंथन। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप आचरण भी करेंगे, इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। नंबर 5, फल की इच्छा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को अगर वर्तमान संदर्भ में लें तो छात्र पढ़ने से ज़्यादा तो इस बात को सोच सोच कर घबराते रहते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि वे अपने रिजल्ट की चिंता छोड़कर पढ़ने पर ध्यान दें। जैसा फल वे करेंगे परिणाम उसी के अनुरूप होगा। लेकिन अगर वे फल की इच्छा में कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो फल भी उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिल पाएगा। आपको ये भगवद गीता की 5 बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।